समाप्त कैसे हो सकता है, सब कुछ चीजें पड़ी है। हम रहेंगे तो आगे चीजें रहेगी। हम जब अपने आप को समाप्त तो मान लेते हैं उसके आगे बाद में कुछ भी, इसलिए कभी हार माननी, जिंदगी क्या पता कौन सा मौका कब दे इसका कुछ भी पता। मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तब खूब सारे लोग ऐसे कहते कि लो गए थे तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये हुआ। मैं मेरे मन ही मन जानता था अपनी मेहनत की हुई, अपने जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंचे में नहीं हुआ, नहीं हुआ, अपने में कमियां रह गई होगी, खूब सारी कमियां रह होगी। या मैं हमेशा ये मानता था कि जिसका सिलेक्शन हुआ है ना उसने अपने से ज्यादा मेहनत की। मैं ये कहूं कि भाई मैंने बहुत मेहनत की थी नहीं हुआ, इसकी अपेक्षा यह कि भाई जिसने की उसने ज्यादा की होगी, अपने 20 नंबर की वो 22 की कर गया, तो इतना ही रहता है कि भाई अपने इंटरव्यू दे के आए थे, ये भी इंटरव्यू दे के आया था, इसका सिलेक्शन हो गया, अपना नहीं हुआ, इसके अपने से 10 नंबर ज्यादा थे, अपने इससे 10 नंबर कम थे, इसका मतलब 10 नंबर की मेहनत अपन ने कम की, इसने 10 नंबर की मेहनत ज्यादा, यही तो हो सकता है और क्या हो सकता है। पर ये लोग खूब सारे कहते अब लो, फिर कोई आप कोचिंग में पढ़ाने भी लगे तो कहता है ट्यूशन पढ़ा भाई ट्यूशन, तो मुझे लगता है यार आप कहते हैं तो कहते हैं, घर वाले कहते थे, घर वाले कहते लो तो हमें तुम्हें भेजा तो तैयारी करने के लिए था और वहां ये कर काम करने लगे, पलायन करने लगे, डिगड़। तो मुझे लगता है यार अपने जो काम करते हैं वो सबसे ईमानदारी से करेंगे, अपने जो काम करते हैं वो सबसे अच्छे से करेंगे। फिर एक दिन आया कोरोना, हालात बदल गए, कोरोना आया तो घर बैठ गए, घर वालों ने वापस काम नहीं कहा था, सरकारी नौकरी कर ले, सब दोस्तों ने कहा सरकारी नौकरी, अब घर बैठे हुए कहां से लाओगे रुपये। फिर कोरोना के बाद वापस आया ऑनलाइन, फिर पता चला अपने को पूरा भारत जानता है। और आप पहले यदि क्विट कर चुके होते, आप पहले सब कुछ छोड़ चुके होते तो क्या ये कंडीशन भी आ पाती। मेरे को अब भी कोई कहता कि सर आगे क्या करोगे, मैं सोचा ही नहीं, रहस्यों का मजा लिया जाना चाहिए, जिंदगी खुद कोई ना कोई नया सीक्रेट खोलेगी उसके अंदर, क्या पता इससे भी बहुत अच्छा होगा, क्या पता इससे भी बहुत बुरा हो जाए, जो होना होगा हो जाएगा, पर जो जिस दिन होगा उस दिन उसका आनंद लेंगे। अब क्यों सोचा जाए, आदमी पहले सोचता रहता है यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। मैं कहता हूं दोनों चीजों में, यदि आपको पहले यह पता हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो जब होगा आपको खुशी फील नहीं होगी, और यदि आपको पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो दुख कितना लंबा है। वरना क्या होता है, सिलेक्शन नहीं हुआ उस दिन बड़ा ही डिप्रेस फील होता है, जग सुना सुना लगे टाइप का फील होता है। मेरा भी याद है 2012 वाले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था और आसपास में जितने लोग थे सबका हो गया था, फिर मैंने पता लगाया कि और किसका नहीं हुआ, तो पता चला एक भाई और है उनका और नहीं हुआ। मैंने उनको फोन किया कि यार सुख दुख साथ में बांटते हैं यार, और रूम पे बुलाया, अब हम दोनों रूम पे बैठे बैठे आपस में डिस्कस करें, और नया नया रिजल्ट आता तो वैसा डिस्कशन कि जिनका सिलेक्शन हुआ है तो हम यूं कहें कि फिलोसॉफी में हमारे नंबर कम थे, बाकी लोगों को फिलोसॉफी में ज्यादा नंबर थे, तो हम दोनों बात करेगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि फिलोसॉफी की आधी कॉपियां राजस्थान में चेक हुई, आधी कॉपियां यूपी चेक हुई, तो जिनके यूपी चेक हुई उनके नंबर कम है, जिनके राजस्थान चेक हुई उनके नंबर ज्यादा है, तो अपनी पक्की ना पक्की कहां चेक हुई है। इतने में हमारे साथ में कोई लड़की थे, वो बड़े इंटेलिजेंट थे, टेस्ट सीरीज हमेशा टॉप किया करते, और हमें पता चला कि उनका भी नहीं हुआ है, तो हमने वो मैंने कहा अरे अरे वो उनका भी नहीं हुआ, तो मेरे दोस्त ने कहा यार बेचारी उसकी कॉपी भी यूपी चली गई होगी। तो हमारे साथ एक रूममेट और उस बंदे का इस आरए से कोई लेना देना नहीं, वो कोई कंप्यूटर साइंस में उधर करे, वो उधर कंप्यूटर चला चला दे गए। दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, फेल हुए निकम्मो तुम पढ़ते नहीं हो चक्कर। इतना पता चला एक कोई हमारे सिलेक्टेड दोस्त है, वो बेचारे इसलिए आए कि यार मैं चलता हूं यार, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे भाई है उनको जाके सांत्वना देता हूं थोड़ी सी, और हमें बुरा लगा, मतलब सांत्वना मत दो, और वो आदमी तो कतई सांत्वना नहीं दे जिसका सिलेक्शन हो चुका है, वो फिर दुश्मन लगता है आपको, अपने लगता है मेरे पास प्रकार हो तो मैं ठोक दूं इसको। फिर भाई इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, खाना वाना नहीं भाई यार, तो अब क्या करें। तो फिर हमने चुपचाप दोनों ने किए फोन बंद करके यहां से गए चंडीगढ़, वहां एक दोस्त रहता चंडीगढ़, उसको फोन किया, देखा आएंगे फोन वोन हमारे बंद, रूम का एड्रेस बता दे वहां आ जाएगा। गए 7 दिन वहां चिल मारा, 7 दिन बाद वापस आए, 7 दिन में आदमी दुख भूल भाल जाता है, वापस आए, इस बार वापस आएगा नहीं, अब अपने आरएस देना नहीं, अपने तो आईएस देंगे, उसी में करवाएंगे प्लान, वो आईएस में भी नहीं बात है, अपने का अब यूएनओ का ही देंगे एग्जाम। आप जब हार मान लेते हैं ना तब अगला स्टेज ही नहीं है। मुझे तो आपको देखता हूं तो मुझे लगता है गारंटी किस बात की चाहिए, हो जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी। अपने क्या कर सकते हैं, जो काम कर रहे हैं इसको ईमानदारी से कर सकते हैं, ये किया जाए। अपना काम है कि डेली सर ने पढ़ाया वो डेली घर पे जाके याद कर लिया जाए, पुराने पेपर देख लिए जाए, अखबार पढ़ लिया जाए, कोई नोवेल पढ़ लिया जाए, या जो भी पढ़ने में काम आने वाली चीज है वो अच्छे से ईमानदारी से कर लिया जाए, ताकि कल को हो नहीं हो जो भी रिजल्ट रहे अपने मन में ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैं पढ़ा ही नहीं था। अपने को ये लगना चाहिए कि वो 2 साल वो 1.5 साल, मैं अब भी मेरे से कोई पूछे ना
कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय कौन सा था, वो 2 साल जब मैं कोचिंग पढ़ता था। मतलब मैं कितना सीखा यार उन दिनों में, मुझे इकोनॉमी आती, मुझे पॉलिटी आती, मैं ज्योग्राफी का मैप का यूं आंखें बंद करके यूं हाथ घुमाता तो मैं बता देता यहाँ ये देश है, यहाँ ये देश है, यहाँ ये देश है। कितना सीखे, अखबार पढ़ते, 5-5 अखबार घूट जाया करते अपने, नई नई चीजें आती, नई चीजें पता चलती, कितना डिस्कशन किया करते थे। अब तो मुझे लगता है लाइफ बोरिंग है कि सुबह से शाम तक सांगा कुंभा करना है। 3 बैच में क्लास चल रही है, 3 बैच में सांगा कुंभा है। नवीन जी 3 में और लगा देंगे थोड़े दिनों के अंदर, सेम वो जाके हिस्ट्री कल्चर पढ़ाना, अब तो उल्टा बोरिंग हुआ है। आप वाला जीवन सबसे अच्छा है, इसलिए घबराना। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आजकल तुम बच्चे आगे कहते हो कि सर हमारे एक डिप्रेशन है। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब आप कहते हो कि सर मुझे अजीब सा फील होता है, तो मुझे कई बार लगता है कि या तो अपने ये फील ही नहीं हुआ था, और या अपने को फील हुआ तो अपने पास ये शब्द नहीं था। मैं कहता हूं आज जब घर वाले तक केयर करते हैं तो भी सुसाइड की रीति ज्यादा घटना है, नहीं किया तो भी हमारे दिमाग में ये मरे नहीं है। खराब से खराब कंडीशन में मेरा मतलब इतना बुरे से बुरा सोचा हुआ होगा कि यार इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें फेल हो गए, क्या करेंगे। मेरे दिमाग खूब सारी बातें घूमती कि अपने एक भैया हैं, उनके अहमदाबाद में दुकान है कपड़े की, अपने वहां जाकर कपड़ा बेचेंगे, ये साड़ी लाल कलर की लीजिए। और मुझे लगता है कि यदि मैं वो सेल्समैन बनूंगा ना तो भी मैं सबसे अच्छा सेल्समैन होऊंगा, मैं वहां जाके कमा खा लूंगा। मेरे एक कोई भैया ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, वो वहां जाके उनकी कोई गाड़ियां साफ कर लेंगे, अपने ये कर लेंगे। मेरे दिमाग में ये कतई नहीं आया कि इसके बाद सब कुछ समाप्त हो गया। समाप्त कैसे हो सकता है, सब कुछ चीजें पड़ी।